नमस्कार दोस्तों, माय सिंपल सेल्स गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी कुछ नए प्लांट्स दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं गजानिया प्लांट की कटिंग भी लगाकर दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरा यह प्लांट देख लीजिए। ये देखिए, ये मेरा गजानिया का प्लांट है और इसमें इस तरह की फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, इसमें खूब अच्छी ग्रोथ हो रही थी, परंतु पता नहीं बारिश की वजह से या किस वजह से कि मेरा यह प्लांट ख़राब हो गया। तो मुझे तो बहुत दुख लगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये विनका का प्लांट है, इसमें रेड कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं और मुझे लगता है यह भी मेरा प्लांट ख़राब हो गया। बारिश की वजह से मेरे कई सारे प्लांट ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ देखिए, ये पिटूनिया का प्लांट, इसमें भी ये रूट रॉट हो गया ऐसे लग रहा है और इसमें तो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है पर प्लांट काफ़ी लेगी से हो गए हैं, इसलिए अब मेरे को ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ नए प्लांट ख़रीद लिए हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ आसपास कोई नर्सरी नहीं है और हमारे यहाँ सप्ताह में एक बार, वो भी सीजन में, विंटर सीजन में नर्सरी वाले भैया आ जाते हैं, तो उन्हीं से मैं यह प्लांट ले लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे को ये प्लांट काफ़ी हेल्दी लगे और इनके फ्लावर भी मेरे को कुछ अच्छे लगे, तो मैंने यह प्लांट ख़रीद लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पर मैंने ये गजानिया के प्लांट ख़रीद लिए। और ये देखिए दोस्तों, ये सेम कलर का फ्लावर है जो मेरा प्लांट ख़राब हो चुका है, सेम उसी कलर में इसके फ्लावर आए हुए हैं और इसके प्लांट भी मुझे काफ़ी हेल्दी लगे और इसके फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ये एक और प्लांट ख़रीद लिया है, इसमें येलो कलर के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक क्रिसेंथेमम का प्लांट ख़रीद लिया है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर खिले हुए हैं और मुझे लगा कि ये मेरे पास जो क्रिसेंथेमम के फ्लावर हैं उससे थोड़े अलग हैं, तो मैंने इसे ख़रीद लिया। मेरे पास पहले से ही ये इस तरह से वाइट कलर के क्रिसेंथेमम के फ्लावर्स थे, पर फिर भी पता नहीं क्या मन हुआ, मैंने इसे ख़रीद लिया। और ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये पांच प्लांट ख़रीदे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये प्लांट कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम गजानिया प्लांट की कटिंग लगाना सीखते हैं। और ये मेरा गजानिया का प्लांट है और इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, आप भी चाहें तो आप भी इस प्लांट की कटिंग आसानी से लगा सकते हैं और सुंदर सुंदर फ्लावर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ देखिए इसे किस प्रकार की कटिंग लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मेरा प्लांट है और इस प्लांट में ये नीचे साइड आपको बहुत सारे प्लांट दिखाई देंगे। इसकी एक ही रूट होती है पर उस रूट से बहुत सारे प्लांट निकले होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको एक प्लांट को अलग करना है। और फिर वहीं से आपको शार्प चाकू की मदद से उसे काट लेना है। तो दोस्तों, ये काम आपको सावधानी पूर्वक करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कटिंग ले ली है कुछ इस तरह से। तो आपको भी सावधानी पूर्वक इसी तरह से कटिंग ले लेनी है। आपने जो प्लांट खरीद कर लाया है, आप उसी में से कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पिछले वर्ष कटिंग से ग्रो किया था और ये मैंने डिस्पोजल ग्लास में ग्रो किया था। तो दोस्तों, ये मेरा अनुभव है, इसीलिए इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये चार कटिंग्स ले ली है, मैंने दोनों प्लांट से दो दो कटिंग्स ले ली है। तो दोस्तों, इसकी कटिंग्स बहुत सावधानी से लेनी होती है, इसीलिए मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई और मैंने ये कटिंग्स निकाल ली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कटिंग को लगाते हैं। वैसे इस कटिंग को लगाने के लिए किसी प्रकार के रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है। और कटिंग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका केवल छोटा सा हिस्सा ही हम मिट्टी में दबाएँ। ज़्यादा हिस्सा मिट्टी में दबा देने से हमारी कटिंग गल जाती है, ख़राब हो जाती है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कटिंग लगाने के लिए सैंडी सॉइल ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उसमें पानी का ड्रेनेज अच्छे से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग लगा लेते हैं।
और ये मेरा वही गमला है जिसमें पहले से ही गजानिया का प्लांट लगा हुआ था और वो ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया है और मेरे पास अभी प्लांटर की कमी है, तो मैं इसी प्लांटर में इन चारों कटिंग्स को लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें होल कर देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ये होल्स कर रही हूँ और यहाँ पर ये कुछ पत्तियाँ दबी हुई हैं जिसे मैं निकाल देती हूँ, और इस तरह से यहाँ पर मैंने होल कर दिया। और ये देखिए दोस्तों, हमें इस प्लांट की कटिंग्स को इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी में दबानी है। और यहाँ पर मैं ये चारों कटिंग्स लगा देती हूँ पहले, और जो जो हमने होल्स किए थे वहाँ वहाँ मैं इस कटिंग को डाल देती हूँ और फिर दबा देती हूँ। दोस्तों इसी प्रकार से हमें चारों कटिंग्स लगा लेनी है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं ये दो और कटिंग लगा देती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से छोटे से केवल 1 सेंटीमीटर को ही आपको मिट्टी के अंदर दबाना है और बाकी वाला हिस्सा जो है वो ऊपर रहेगा। और ज़्यादा इसका ज़्यादा हिस्सा यदि हम मिट्टी में दबा देंगे तो हमारे प्लांट स्वाभाविक रूप से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। और दोस्तों इसमें पानी भी बहुत कम ही देना है, पानी की अधिक मात्रा भी हमारे कटिंग्स को ख़राब कर देती है। तो दोस्तों हमें बहुत सारी सावधानियां भी अपनानी पड़ती हैं, हालांकि हमारी कटिंग्स ग्रो हो जाती है ये तो श्योर है, पर ज़रूरी नहीं है। हमारी कई गलतियों की वजह से कभी कभी हमारी कटिंग्स, यहाँ तक कि सारी कटिंग्स भी ख़राब हो जाती है। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरी कटिंग्स हैं जो तैयार हो चुकी है और इनमें अब ग्रोथ स्टार्ट भी हो चुकी है। और ये कटिंग्स मैंने लगभग 1 महीने पहले लगाई थी, और आप देखिए दोस्तों, इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और इसकी मिट्टी भी सख्त हो चुकी है। और इसी तरह से आप भी गजानिया की कटिंग्स आसानी से लगा सकते हैं और एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।